Good morning, everyone. This video is very important for all the students who are visiting at different facilitation centers across Maharashtra. So guys, understand one thing here. आपको मैंने already बताया है कि top 25 या top 30 colleges ले लो जो CET से मिल जाएंगे आपको तो कुछ बात बने. करेक्ट, कुछ एवरेज सैलरी अच्छी है, 25-30 कॉलेजेस. उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्ट्रगल ही है इन टर्म्स ऑफ क्राउड, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, ओवरऑल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन. बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है. तो ऐसे केस में क्या होगा कि फैसिलिटेशन सेंटर पे आप जाओगे ना, देर आर मोर देन 200 फैसिलिटेशन सेंटर्स. तो जो फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओगे, ऐसा बहुत केसेस में होगा कि वहाँ पे MBA प्रोग्राम भी है. वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो सकता है या फिर वो खुद ही MBA कॉलेज है, तो वो ना अपना MBA प्रोग्राम पिच करेंगे. अगर आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स कौन से वो जानना है तो सिटी सेल की वेबसाइट पे चले जाना, एंड लेफ्ट साइड में लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स है. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप विजिट करो तो वो पिच करे कि आपको MBA एडमिशन चाहिए, तो हम आपको एडमिशन दे सकते हैं इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच प्रोमिसेस, बिकॉज वो आपको एडमिशन दे सकते हैं थ्रू ILS और VCAP. बट वो एडमिशन क्यों देना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन या फिर नॉर्मल फी पे करके एडमिशन, बिकॉज उनके यहाँ पे पूरी सीट्स फिलअप नहीं होती. ठीक है, जितनी भी सीट्स है वो फिलअप नहीं होती, तो ऐसे केस में डेफिनेटली दे डोंट वॉन्ट देयर सीट्स टू बी एम्प्टी. सो जितने भी एवरेज कॉलेजेस है, देन बिलो एवरेज कॉलेजेस, वहाँ पे ना ये स्ट्रगल होता है कि सीट्स पूरी फिलअप नहीं होती है. हाँ, अगर आपका परसेंटाइल कम है, एंड मैंने आपसे ऑलरेडी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस शेयर की है, करेक्ट, तो ये जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, 40 कॉलेजेस की लिस्ट है, ये आप चेकआउट कर सकते हो, है ना. एंड देन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, मुझे ये कॉलेजेस में नहीं मिल सकता, देन MBA डिसीजन पे आपको गौर करना है. MBA करने के बाद 2 या 3 लाख की सैलरी अगर आपको मिलने वाली है, देन यू हैव टू रीथिंक. बट आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली पूछनी है, अगर वो MBA कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू, देन उनको ये तो डेफिनेटली पूछना कि उनका ILS या फिर VCAP का जो नोटिफिकेशन है वो कब और कैसे अपडेट होगा, वेबसाइट पे होगा, उनका फोन नंबर ले लो फैसिलिटेशन सेंटर का, तो ये पूछ सकते हो. बट वो इन्फ्लुएंस वाला चीज मत होने देना, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं यार, मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं एडमिशन लेके खत्म कर देता हूँ प्रोसेस. एंड फैसिलिटेशन सेंटर पे ऐसा हो सकता है कि किस स्टाफ को कट ऑफ डेटा नहीं पता है कॉलेजेस का, तो ये कट ऑफ डेटा अगर आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, mbakarlo.com पे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, दिस इज द कट ऑफ डेटा. कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कट ऑफ कैसे चेक करना है. तो देखो भाई, कट ऑफ तो बहुत हाई रेंज में है, पहले 25-30 कॉलेज भी पकड़ा तो 80% प्लस है. तो अगर कंपटीशन तगड़ा है तो ऐसे केस में देर विल बी कॉलेजेस दैट वॉन्ट यू टू बी इन देयर लीग. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस फॉर एवरी वन, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ हर साल होती है. कोई भी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओगे, अगर वो MBA कॉलेज है या फिर PGDM कॉलेज है, जो भी है, वो अपने प्रोग्राम्स को पिच करने का ट्राई करेगा. एंड अगर आपके परसेंटाइल रेंज से नीचे के कॉलेजेस है तो इग्नोर करना. अगर परसेंटाइल रेंज के 7 के कॉलेजेस है, आपको पता है कि यार इससे ऊपर मुझे मिल लेने वाला, देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस. बिकॉज ऐसे केस में आपको पता है कि यार इससे ऊपर अगर नहीं मिलने वाला मुझे, तो जल्दी एडमिशन लेके खत्म करते हैं. बट वो भी आप कैप राउंड से लेना, नॉट थ्रू ILS एंड VCAP, बिकॉज आई थिंक ILS एंड VCAP से जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको पूरी फी पे करनी होती है. तो ये भी फैक्ट एक बार कंफर्म कर लेना कॉलेजेस से. फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये काम करवाना आपका प्रायोरिटी है, एंड वो टाइम पे हो जाना चाहिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप.